कज़ाद की किताब, उसका 16वां बाब, उसकी चौथी से आठवीं आयत तक। काजियां दी किताब, उदा 16वां बाब, ते चौथी तो आठवीं आयत तक। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से, जिसका नाम दलीला था, उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू किसने समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको सात हरी हरी वेदों से जो सिखाई न गई हों बांधें, तो मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों ने आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम, तेरे प्यार, तेरे फजल के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो मेरी हालत को, मेरी सोच को, मेरे समझने को तब्दील कर सकता है। लेकिन ये कलाम खुद ला तब्दील है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। आज तू हमसे बात कर, हमें सिखा समझा, और हमें तौफीक दे के अपनी सोच को तेरे कलाम के मुताबिक ढालने वाले हों। मैं हर तरह से घटता जाऊं और तू हर तरह से बढ़ता जाए, यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। आज जो कलाम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है कनेक्ट केयरफुली। कि जब हम किसी चीज से अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो बहुत ध्यान से और होशियारी से हमें ये करना चाहिए। और हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के नहीं हैं लेकिन इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए खुदा इस बात में भी इंटरेस्टेड है कि हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं, यहाँ पर अपने वक्त को कैसे काटते हैं। क्योंकि जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं उसका असर हमेशा तक रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि कलाम हमेशा हमारी सोच के मुताबिक हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि हमारी सोच कलाम के मुताबिक हो। और जब हम इस कलाम को अपने अंदर जाने देते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, और कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी और हमारी समझ के मुताबिक नहीं होती। उससे क्या होता है कि हमारा जहन कलाम के मुताबिक खुल जाता है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ समसून के बारे में लिखा है कि उसे एक औरत जिसका नाम दलीला था इश्क हो गया। पिछले दिनों हम एक दिन मना रहे थे और मेरे जहन में एक सोच आई कि लव इज मोर डेंजरस देन लस्ट। कि मोहब्बत जो है वो हवस से ज्यादा नुकसानदेह है और खतरनाक है। और मोहब्बत का बयान अगर किया जाए तो मोहब्बत एक नहायत पाक चीज़ है।
अगर हम पहला करिन्थियों उसका 13वां बाब पढ़ें तो उसमें पूरे बाब में मोहब्बत के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है इश्क। इश्क वो सूरत हाल होती है जब हम किसी चीज़ को अपना पूरा फोकस दे देते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि समसून को उस औरत से इश्क हो गया। इसमें कोई नापाकी नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, पाक चीज़, लेकिन गलत तरफ, राइट थिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और यही मुझे इसमें से समझ आया है कि मोहब्बत अगर गलत डायरेक्शन में हो, हमारा कनेक्शन जो है, हमारी मोहब्बत किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ के लिए हो, और वो चीज़ या वो इंसान खुदा की तरफ से मंजूर किया हुआ ना हो, अप्रूव्ड ना हो, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। और समसून की हालत ये हो गई है कि वो जब सोचता है तो उसका सारा फोकस इसी पर है, इसी औरत पर। वो इस औरत को खोना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 15वें बाप में और 14वें बाप में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उसकी शादी तय हुई थी, मगर जिससे उसकी शादी तय हुई थी वो औरत उसे नहीं मिली। तो समसून जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही फिक्रमंद है कि वो औरत उससे खोनी नहीं चाहिए, वो औरत उससे जुदा नहीं होनी चाहिए। और पहला करिन्थियों के 13वें बाब में लिखा है कि मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। और वहाँ एक चीज़ लिखी है कि सब कुछ सह लेती है, और एक चीज़ लिखी है कि अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और इसी का नुकसान यहाँ पर समसून को हुआ है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है और अपनी बेहतरी नहीं चाहती। 5वीं आयत में लिखा है कि फिलिस्तीनियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है। यहां पर क्योंकि उसका फोकस गलत तरफ है, इसलिए जिस तरफ उसका फोकस है शैतान उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, उसके दुश्मन उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ खुदा की तरफ से है उस पर खुदा की बरकत होती है, लेकिन ये औरत क्योंकि खुदा की तरफ से नहीं है इसलिए समसून के दुश्मनों का एक्सेस है इस औरत के पास। समसून के दुश्मनों की रसाई है इस औरत तक, और वो इसे क्या कहते हैं कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है, उसकी ताकत का भेद क्या है। मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैं सोच रहा था कि दुश्मन को हमारी कमज़ोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ हम पहले ही कमज़ोर हैं। उसको इंटरेस्ट है हमारे ज़ोर में, और जहाँ हम कमज़ोर हैं उस रास्ते से दुश्मन आता है, लेकिन वो उसकी मंजिल नहीं है,
सिर्फ उसके लिए एक रास्ता है। हमारी जो कमज़ोरी है वो दुश्मन के लिए मंजिल नहीं है, रास्ता है। दुश्मन की मंजिल हमारा ज़ोर है, क्योंकि दुश्मन को नुकसान पहुंचता है हमारे ज़ोर से, हमारी शाहजोरी से, हमारी ताकत से। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात हमें पता चलती है कि ये औरत तब समसून के पास नहीं आई जब दुश्मन उस पर हमला करते थे, दुश्मन उससे लड़ते थे। ये एक ऐसे वक्त में समसून के आसपास है जिस वक्त कोई लड़ाई नहीं हो रही यहाँ पर। इससे पहले, चौथी आयत से पहले अगर हम ऊपर तीसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ समसून पर एक हमला हुआ है, उससे वो बचकर निकल गया है। इस चौथी आयत में इस औरत का जिक्र है, और यहाँ नीचे जब तक इस औरत का जिक्र है, समसून की कोई लड़ाई नहीं है, समसून की कोई जंग नहीं है, समसून को फाइट नहीं करना, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं है, कोई हमला नहीं है। जब हम पर कोई हमला नहीं हो रहा होता दुश्मन की तरफ से, वही दुश्मन का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि जब तक हम पर हमला हो रहा है हमें अपनी ताकत की अहमियत का अंदाज़ा है। जब तक कोई मेरे खिलाफ़ लड़ रहा है, जैसे समसून के खिलाफ फिलिस्ती लड़ रहे थे, उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा था, उसे अपनी ताकत से मोहब्बत थी। लेकिन जब उस पर कोई अटैक नहीं हो रहा तो उस सूरत में उसकी सोच, उसका फोकस ऐसा हो गया है कि ताकत रहे ना रहे, ये औरत रहनी चाहिए। और जब हम गलत लोगों से, गलत चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो दुश्मन की एक स्ट्रेटजी ये है कि जब हम ऑलरेडी गलत चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो हम पर खुलेआम हमला करना छोड़ देता है। उससे ये होता है कि हमें अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का फ़ायदा याद नहीं रहता। और एक सीखने की बात यह है कि जिस चीज़ में हमारी ताकत है अमूमन उसी चीज़ के अंदर हमारी कमज़ोरी है। हमारी ताकत, हमारी शाहजोरी और हमारी कमज़ोरी एक ही चीज़ में है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी मौजूदगी हमें कमज़ोर बना देती है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों को हटा दें तो हम ताकतवर होते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ों की मौजूदगी हमें ताकतवर बना देती है, और हम अगर उन्हीं चीज़ों को हटा दें तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ज़िंदगी के हर हिस्से में ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है कि हम इस बात को याद रखें कि हमारा ज़ोर और हमारी कमज़ोरी अमूमन एक ही चीज़ में है। वो उसी चीज़ के दो पर्सपेक्टिव हैं, उसी में हमारा ज़ोर है, उसी में हमारी कमज़ोरी है। जैसे हम अगर दुआ करते हैं तो हम ज़ोरावर हैं, लेकिन दुआ ही को अगर हम छोड़ दें तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर हम कलाम को पढ़ते रहते हैं तो हम ज़ोरावर हैं, लेकिन अगर कलाम ही को पढ़ना छोड़ दें तो हम कमज़ोर हैं। अगर किसी बुरी आदत को हम अपने अंदर लिए हुए हैं और उसे हम कंटिन्यू रखते हैं तो हम कमज़ोर हैं। जहां हम उसे छोड़ देते हैं हमारे अंदर ज़ोर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि दुश्मन जो है वो हमारी ज़िंदगी को
अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है और उसके लिखा है कि कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए कारामद ना होगा. नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट दी शैल प्रॉस्पर. इसका मतलब कि हर एक इंसान के लिए दुश्मन फॉर्म करता है, बनाता है, तैयार करता है हरबे और हमले और स्ट्रेटजीज जिससे उसने हम पर अटैक करना है. तो इसलिए हम किन हमारी हमारी मोहब्बत, हमारी ख्वाहिश किन चीज़ों के लिए है, किन लोगों के लिए है, उस सब को हमें मॉनिटर करना चाहिए और खुदा को हमें पूछना चाहिए कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है क्या वो तुझे पसंद है या नहीं, क्या वो तेरी तरफ से है या नहीं. फिर चाहे वो लोग हों, चीज़ें हों, किसी भी चीज़ में हमारी मोहब्बत का फोकस किन चीज़ों के लिए है. और यहाँ पर एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि उस औरत ने समसून को पूछा कि तेरी शाहजोरी का राज क्या है और उसने उसको सच नहीं बताया. लेकिन जो झूठ उसने बोला था वो उस औरत ने ट्राई किया. तो सच बताने से पहले उसको एक बार ये सोच लेना चाहिए था कि अगर ये जो झूठ मैं इसको बोलता आया हूँ ये वो ट्राई कर रही है, तो ये जो मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे बाल अगर काट दिए जाएं, उस तरह मेरे सर पर फेर दिया जाए, तो मेरी ताकत जाती रहेगी, मैं आम आदमियों की तरह हो जाऊँगा. तो उसे ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि जब वो बाकी चीज़ें ट्राई कर रही थी तो वो ये भी ट्राई करेगी और इसके ट्रायल में ही उसकी कुव्वत चली जाएगी. लेकिन उसको अपनी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है, उसको अपनी कुव्वत की फ़िक्र नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका फोकस गलत जगह पर लग गया है. और दुश्मन का एक हरबा ये भी है कि जब वो हमारी किसी चीज़ को रोक नहीं सकता तो उसको वो गलत डायरेक्शन में डाल देता है. और फिर हम अच्छे काम करते हैं बुरे तरीके से करते हैं या बुरी वजूहात से करते हैं, बुरी वजूहात के लिए करते हैं, बुरे मकासद से करते हैं, तो उसका सारा जो असर है वो जाता रहता है. इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं. और किसी भी चीज़ को जब हम अपना फोकस बना लेते हैं तो फिर वो हमारे डिसीजंस को, हमारे हमारे इरादों को, हमारे हमारे फैसलों को इफ़ेक्ट करती है. तो सीखने की बात यहाँ पर यह है कि हम अपना फोकस, अपनी नज़र उन चीज़ों पर लगाएं जो खुदा की तरफ से हैं, उन लोगों पर लगाएं जो खुदा की तरफ से हैं, उन कामों पर लगाएं जो खुदा की तरफ से हैं, और ख़ास तौर पर अपनी अच्छी चीज़ों में एक बात मॉनिटर करें कि हमारी हमारी शाहजोरी में दुश्मन आना चाहता है, हमारी शाहजोरी को दुश्मन तोड़ना चाहता है और उसका रास्ता हमारी कमज़ोरी है. और हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी कमज़ोरी को मॉनिटर करते रहते हैं और वहाँ तो हम कमज़ोर हैं पहले ही,
और हम अपनी शाहजोरी से ज़्यादा अपनी कमज़ोरी की फ़िक्र करने लग जाते हैं। और दुश्मन कमज़ोरी के वसीला से हमारे ज़ोर में घुस आता है। और उसका तरीका बहुत तहम्मुल के साथ है। दुश्मन को कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत आराम से, तहम्मुल से हमारी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके, हमारी गुज़री हुई ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके हमारे लिए हरबे तैयार करता है। यहाँ पर एक वजह है कि एक औरत को दुश्मन ने इस्तेमाल किया, और वो इसलिए क्योंकि जिस औरत से समसून शादी करने वाला था वो उसे नहीं मिली, एक कमी रह गई उसकी ज़िंदगी में। तो आए हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक मॉनिटर करें और अपनी हर चीज़ में खुदावंद को शामिल हाल रखने वाले हों, ताकि वो हमें बताता रहे कि हम कहाँ ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कहाँ हम अच्छी चीज़ों को गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आए हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए। और मैं तेरा शुक्र करता हूँ खास कि तू हमारी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें नहीं छोड़ता। तू हमें पूरे तौर से संवारना चाहता है और तू चाहता है कि कहीं भी हम में कोई कमी, कोई झुरी, कोई दाग ना रह जाने वाला हो। आसमानी बाप, जब तक हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हमें तौफीक अता करके तेरे कलाम को अपने कलमे में, अपनी सोचों में, अपने इरादों में, अपने ख्यालात में जाने दें, ताकि तेरे कलमे की जात हमारे कलमे में नुमाया हो जाए। आसमानी बाप, हमें तौफीक अता करके हम अपनी चीजों के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए, अपने रिलेशंस के लिए तुझ पर डिपेंड करने वाले हों, तेरा इंतजार करने वाले हों, तुझसे पूछने वाले हों और तेरी मर्जी को जानकर खास तेरी फरमा बरदारी करने वाले हों। आसमानी बाप, हमारे जहनों को रोज बरोज और ज्यादा खोल, ताकि हम अपनी जात को पहचान सकें, तेरी मर्जी को जो हमारे लिए है पहचान सकें, और दुश्मन के हरबों को जो हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं पहचान सकें और उनका मुकाबला कर सकें। आसमानी बाप, सारा इज्जत और जलाल तेरे यहोवा नाम को, तेरे बेटे यीशु के नाम को और तेरे पाकरू को देता हूँ। मैं हर तरह से घटता जाऊँ और तू हर तरह से बढ़ता जाए, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दें।